नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। वक्त हो चुका है आपको देश विदेश की खबरों से रूबरू कराने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे पदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी शिविर का उद्घाटन करने। बता दें कि पानी की निकासी न होने के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। जनता की समस्या को देखते हुए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिविर का उद्घाटन कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 को खत्म हुए 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बंगाल में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार शाम यहां के कूच बिहार के तिनहाटा के पेटला बाजार में एक तृणमूल कार्यकर्ता अजीजुर रहमान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 8 महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है, जिसमें पीएम मोदी 6 समितियों के सदस्य हैं, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 समितियों से जुड़े हुए हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहे गलियों में आप कितने भी दौरे कर ले विकास के नाम पर, लेकिन अब मेरे देश की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोलता है। और अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल गलियों में दौरे करके जनता को एक बार फिर विकास के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लापता विमान AN-32 का अभी तक सुराग नहीं मिला है। करीब 66 घंटे का समय बीत चुका है। बीते घंटों के साथ ही विमान में सवार क्रू मेंबर्स के परिवार वालों की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मौसम खराब होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह से आज फिर ऑपरेशन शुरू हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से कसे गए तंज पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि धार्मिक होने का अर्थ केवल अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानना नहीं है, बल्कि दूसरे धर्म का सम्मान करना भी होता है, और जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं वे अधार्मिक हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस महीने के आखिरी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। पार्टी की मीडिया सेल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। शिवसेना प्रमुख ने लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का दौरा किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त यात्रियों का हंगामा बरपा जब एयर इंडिया ने जल्द से ज़्यादा यात्रियों की बुकिंग कर ली और 2 यात्रियों को बोर्डिंग पास नहीं दी। इसकी वजह से वहां हंगामा मचा। एयर इंडिया ने अपने कुछ पैसेंजरों को यात्रा करने से रोक दिया। जयपुर के पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर सर्वेक्षण करके लोकसभा चुनाव में मिली अपनी हार के कारणों का पता लगा रही है। राजस्थान में करीब 50,000 बूथ हैं। हमने हर बूथ की रिपोर्ट और आंकड़े मंगाए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोकसभा चुनाव में कहां चूक हुई है। हरियाणा सरकार ने भर्तियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बुधवार को आर्थिक आधार पर आरक्षण को वापस ले लिया है। अब इन पदों को सामान्य वर्ग का मानकर भरा जाएगा। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से अभिनेत्री मॉडल पायल रोहतगी काफ़ी सुर्खियों में हैं। वजह इस बार भी उनका एक ट्वीट ही है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात के लिए ट्विटर पर माफ़ी भी मांगी है। हालांकि इसके लिए भी उन्हें काफ़ी आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। और तो और NCP ने पायल रोहतगी पर पुलिस में शिकायत करने की मांग भी की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देश विदेश की खबरें देखने के लिए और उन्हें जानने के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।